हेलो भाई, आज हम करने वाले न्यू i20 के बेस मॉडल का डिटेल रिव्यू विद ऑन रोड प्राइस। तो अभी आप देख रहे हैं इसका मैग्ना बेस मॉडल। न्यू वाली i20 में आपको मिलते हैं टोटल चार वेरिएंट। मैग्ना से स्टार्ट होता है, उसके बाद स्पोर्ट्स, उसके बाद एस्ट्रा एंड एस्ट्रा ऑप्शनल। एस्ट्रा ऑप्शनल आपको सनरूफ मिल जाती है। तो भाई करते हैं इसका डिटेल रिव्यू आप लोगों को इसका ऑन रोड प्राइस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस खटीमा उत्तराखंड में पड़ेगा 8,07,000 करीब। इसमें आपकी बेसिक एसेसरीज भी इंक्लूड होगी। फ्रंट से शुरुआत करते हैं, तो बीच में आपको हुंडई का लोगो मिलता है और ग्लॉस में आपको मिलती है इसकी ग्रिल, काफ़ी एग्रेसिव लगती है। और इसकी जो हेडलैम्प आप देख सकते हैं, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन की इस बार बनाई गई है, काफ़ी एरोडायनेमिक इसमें डिज़ाइन दिया गया। नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप मिल जाता है, प्रोजेक्टर, साथ में DRL मिल जाता है। और ऐसी कुछ है इसकी गाड़ी की फ्रंट की लुक। तो कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और क्रीज लाइन आपको देखने को मिलेंगी बोनेट के ऊपर, देख सकते हैं काफ़ी शानदार लगती है और काफ़ी एग्रेसिव बनाती है गाड़ी को। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यह है गाड़ी का साइड का प्रोफाइल, तो ये है गाड़ी की साइड की प्रोफाइल। तो पहले के मुकाबले मुझे उतनी खास लग नहीं रही है, लेकिन ठीक है भाई, जिसको अच्छी लगेगी उसको पसंद आएगी। बाकी जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको सेम मिलती है, पहले जितनी मिलती थी 170 mm की। बाकी लेंथ और डायमेंशन में थोड़े चेंजेस हैं, वो आपको डिस्प्ले में दिख जाएंगे। एंड बेस मॉडल में भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो उसके जो DRL है आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप में मिलते हैं, तो पूरा ओवरऑल डिज़ाइन चेंज है गाड़ी का। और जो इसके DRL है वो भी चेंज है। और इसके फॉग लैंप में आपको प्रोजेक्टर मिलती है, फेंडर में आपको मिलेगा बेस मॉडल में इंडिकेटर। और टायर की बात करते हैं, तो इसमें आपको स्टील व्हील मिलता है, ब्रिजस्टोन का टायर मिलेगा। उसका जो साइज़ है वो मिलता है करीब 185/65 R15 inches के आपको मिलते हैं टायर। और ORVM पे आपको ग्लॉस मिलेगा, बॉडी कलर मिलेगा आपको, पेडल लैंप आपको मिलता है टॉप एंड मॉडल में, इसमें आपको नहीं मिलेगा। एंड बेस मॉडल से आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं बॉडी कलर में। और ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ग्लास मिलता है और यहाँ पर आपको ग्लॉस ट्रीटमेंट मिलेगा। और तीन आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको टेल लैम्प में i20 की बैजिंग मिल जाती है। तो यह है गाड़ी की साइड से रेयर की प्रोफाइल। कलर ऑप्शन आपको इसमें 6 मिल जाते हैं, बाकी 2 आपको डुअल टोन में मिलेंगे व्हाइट एंड रेड में। ऊपर की तरफ आपको पीछे की तरफ एंटीना मिलता है, इसमें साकफिन एंटीना नहीं मिलेगा बेस मॉडल में। और ये इसकी टेल लैम्प और रेयर से लुक गाड़ी की आप देख सकते हैं, जलने के बाद टेल लैम्प कैसी लगती है। तो पीछे का लुक काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है, साइड से मुझे उतनी खास लगी नहीं, लेकिन पीछे से काफ़ी सही है गाड़ी। एंड टेल लैंप आपको मिलती है जेट शेप में, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो आप लोग को इसका डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना इसके टेल लैंप का। और लेफ्ट की तरफ आपको i20 की बैचिंग मिलती है, बीच में हुंडई का लोगो। एंड बेस मॉडल में डिफॉगर नहीं मिलता, वाइपर भी नहीं मिलता, ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है। और नीचे की तरफ आते हैं, डिफ्यूज़र आपको मिलता है बेस मॉडल से ही। एंड बंपर में नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मल है। लेकिन इस बार कंपनी ने 2 ही रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें दिए हुए, एक दिया हुआ है यहाँ पर की तरफ और एक दिया हुआ है इस तरफ। तो पहले आपको 4 मिला करते थे, तो इस बार कॉस्ट कटिंग इसमें की हुई है। बाकी जो इसका फ्यूल लिड ओपनर है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इस बार कुछ अलग तरीके से खुलेगा, विदाउट आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से ही आप इसे प्रेस करते हैं तो ये खुल जाता है। और देख सकते हैं इस तरीके से आप फ्यूल फिलअप कर सकते हैं, और दोबारा से आप प्रेस करते हैं बंद हो जाता है। लेकिन इसमें जो आपकी गाड़ी है उसे अनलॉक होना चाहिए, अगर लॉक होगी तो ये नहीं खुलेगा। तो काफ़ी सही फीचर था वो। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले आप लोग को इसका ड्राइवर डोर दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको ब्लैक पैनल मिलेगा, पहले आपको डुअल टोन मिलता था, और यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बेस मॉडल में आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सिर्फ आपको ORVM को फोल्ड अनफोल्ड का नहीं मिलेगा। डार्क ग्रे कलर मिलता है डोर ओपनर, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, और साथ में आपको इसमें बोतल होल्डर मिल जाता है और कुछ स्पेस। ट्विटर आपको नहीं मिलेगा इस मॉडल में। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले आप लोग को सीट हाइट एडजस्ट का ऑप्शन दिखाया था, उसमें आपको हाइट एडजस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता बेस मॉडल में। बाकी इसका स्टीयरिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी सही लग रहा है इस बार स्टीयरिंग, क्रेटा वाला मिलता है, लेकिन इसमें आपको फ्लैट बॉटम नहीं मिलेगा क्रेटा में जैसे मिलता है। बाकी इसमें बेस मॉडल से आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक का ऑप्शन मिल जाता है, तो काफ़ी सही चीज़ है। बेस मॉडल में लेदर रैप स्टीयरिंग तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको सिल्वर इंसर्ट जरूर मिल जाता है। तो न्यू वाली i20 का स्टीयरिंग काफ़ी सही लग रहा है, और एयरबैग की बैचिंग। और यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के, फ़ोन उठाने के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर ट्रिप को रीसेट सेट करने के कंट्रोल। एंड फिट एंड फिनिश तो हमेशा की तरह काफ़ी शानदार मिलती है हुंडई की। राइट टॉगल में आपको मिल जाते हैं लाइट इंडिकेटर के कंट्रोल, एंड लेफ्ट टॉगल में आपको मिलते हैं वाइपर के कंट्रोल। एंड बेस मॉडल में इसका जो मीटर कंसोल है आपको फुली डिजिटल तो नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी शानदार है, MID आपको मिल जाती है जो कि इन्फॉर्मेशन शो करती है। इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, और आपको फिजिकल इसमें बटन मिलते हैं, नॉब मिल जाते हैं जो कि वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के काफ़ी सही लगते हैं नॉब। इधर की तरफ आपको फिजिकल बटन मिलते हैं, ब्लूटूथ एंड USB का इसमें ऑप्शन मिलता है, और नीचे की तरफ आपको हैजार्ड बटन मिलता है। और AC वेंट आप देख सकते हैं इस बार स्ट्रेट मिलती है बिल्कुल एक लाइन में। एंड फिट एंड फिनिशिंग काफ़ी टॉप नॉच क्वालिटी की आपको मिलती है। एंड जिसके AC कंट्रोल है आपको पुराने मॉडल में जैसे मिलते थे वैसे ही आपको मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको USB का पोर्ट मिलता है, और 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। इसमें थोड़ा सा लाइट अभी कम है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, और कुछ स्पेस मिल जाती है उसी के आगे। ये इसका गियर नॉब ब्लैक मिलता है, कोई ग्लॉस फिनिश नहीं मिलेगी इसमें। एंड हैंड ब्रेक के बटन में भी आपको क्रोम फिनिश नहीं मिलती बेस मॉडल में। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और ये इसका आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडेबल नहीं मिलेगा बेस मॉडल में, लेकिन कुछ स्पेस आपको मिल जाती है अंदर की तरफ जिसमें आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं।
मैं आप लोग को चेक कराता हूँ इसका ग्लो बॉक्स। तो साइज तो पहले के बराबर मिलता है, साथ में आपको इसमें कूल ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। एयरबैग आपको दो मिल जाते हैं बेस मॉडल से ही, एंड डैशबोर्ड का जो प्लास्टिक है हार्ड प्लास्टिक मिलता है, लेकिन इसमें आपको रगेड फिनिश मिलती है, काफ़ी बड़ा इसमें डैशबोर्ड मिलता है। IRV मिलता है आपको मैनुअल डे नाइट फंक्शन के साथ, बीच में आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है बेस मॉडल से ही, और आपको दो लाइट मिल जाती है येलो बल्ब के साथ, माइक मिल जाता है यहाँ पर। को ड्राइवर सनसेट पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है बेस मॉडल में, और ड्राइवर की तरफ आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, एंड जो रीच है क्लच की पहले की तरह मिलती है, यहाँ पर आपको मिल जाता है राइट की तरफ लाइट लेवलर, और मैनुअल आपको की इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है इसमें। बाकी इसका मीटर कंसोल आप देख सकते हैं, और नीचे की तरफ आपको दिखाया था पहले, उस टाइम आप लोग को दिखा नहीं था, यहाँ पर 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिलता है, कुछ स्टोरेज मिलती है, USB मिल जाता है, एंड जो ब्लू कलर की इसमें लाइट जलती है, इसके बटन्स में काफ़ी अच्छी लगती है। अब चलते हैं पीछे वाली सीट पे, और कितना स्पेस आप लोग को मिल जाता है न्यू i20 में, क्योंकि इसमें स्पेस बढ़ाया गया इस बार, तो चेक करते हैं। थोड़ा सा अंधेरा हो गया, थोड़ा मैनेज कर लेना। डोर पैनल ब्लैक कलर का मिल जाता है, यहाँ पर मिल जाता है आपको विंडो का कंट्रोल, यहाँ पर ग्रैब करके बंद कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, कुछ स्पेस, स्पीकर आपको मिल जाता है, ट्विटर आपको नहीं मिलता एक भी इसमें बेस मॉडल में, और यहाँ पर आपको मिल जाता है चाइल्ड डोर लॉक। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। सीट को मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग पीछे किया हुआ था, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही पीछे किया हुआ था, तो इतनी कुछ स्पेस आपको मिल जाती है, पहले के मुकाबले काफ़ी सही स्पेस इस बार मिलती है, और बीच में आपको AC वेंट मिल जाते हैं डुअल AC वेंट, और नीचे की तरफ आपको USB पोर्ट और कुछ स्टोरेज मिल जाते हैं, हम आप देख सकते हैं छोटा सा हम मिलता है, एंड आपको आगे के एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बीच में आपको लाइट मिल जाती है, पीछे वाले जो हेडरेस्ट आपको फिक्स मिलेंगे। ग्रैब हैंडल इसमें फिक्स मिलते हैं बेस मॉडल में, टॉप एंड मॉडल में थोड़े अलग हैं, कोट हुक के साथ आपको मिलते हैं इसमें। बाकी भाई स्पेस भी ठीक है, और इसमें आपको रेयर है जो हेडरेस्ट हैं फिक्स मिलेंगे, तो बेस मॉडल अब लगती नहीं है गाड़ी, और पीछे आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती बेस मॉडल में। बाकी विंडो एरिया आप देख सकते हैं, एंड ISO फिक्स शायद इसमें नहीं मिलते बेस मॉडल में, तो यहाँ पर लिखा भी नहीं है कहीं पर। बाकी अब चलते हैं पीछे, आप लोग को इसका बूट चेक कराया था, तो अब थोड़ा और अंधेरा हो चुका है, आप इसके टेल लैंप आप देख सकते हैं जलने के बाद कैसा लगेगा जब रात हो जाएगी। तो बाकी हुंडई का लोगो, एंड जो ये कलर है स्टीयरिंग नाइट कलर, रात में कैसा लगता है, कैसे ग्लो करता है आप देख सकते हैं, काफ़ी शाइन करता है। टेल लैंप आप बिल्कुल पास से देख सकते हैं, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, लेकिन बीच वाला हिस्सा आपका नहीं जलता। रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, ये आपके नॉर्मल मिलते हैं, इसमें ग्लो नहीं करता। बाकी यहाँ पर आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं बम्पर में, ये मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था। अब मैं आप लोग को इसका बूट चेक कराता हूँ, तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक ट्रंक ओपनिंग मिलती है, तो बटन आपको मिल जाता है, एंड जो ये कलर है रात में काफ़ी ब्लैक ब्लैक कलर का आपको लगेगा, और यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है, एक ग्रॉसरी हुक आपको मिल जाता है दोनों तरफ। बाकी लाइट आपको नहीं मिलेगी बूट में बेस मॉडल में। टायर आप लोग को चेक कराता हूँ, तो इसमें जो टायर है वो आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है सीएट का, एंड जो इसका साइज़ है वो 14 इंचेस में मिलता है, तो एक साइज आपको छोटा ही मिलेगा, एंड जो इसकी सीट है ये आपको बेंच फोल्डिंग के साथ मिलती है, तो यहाँ पर पहले बटन मिला करता था, लेकिन इस बार स्ट्रैप आपको दिया हुआ है, तो इसको आप खींचेंगे और आगे की तरफ आप पुश करते हैं, तो जो ये बेंच वाली फोल्डिंग वाली सीट आपको मिलती है पूरी फोल्ड हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, तो पूरी प्रॉपर फ्लैट तो नहीं होती लेकिन हो जाती है, काफ़ी आपका स्पेस बन जाता है बूट स्पेस। बाकी जो इसका स्पेस है बूट स्पेस वो भी इस बार बढ़ाया गया, दिख जाएगा कितना आपको मिलता है। एंड जो कलर है कार का वो ब्लैक आपको लगेगा, लेकिन ये ब्लैक है नहीं, आपको रात में ज़रूर ब्लैक लगेगा, पास से आप देखेंगे तो ब्लू कलर का आपको लगेगा, डार्क ब्लू। अब मैं आप लोग को इसका इंजन चेक कराता हूँ, सबसे पहले मैं बोनेट ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ से इसका बोनेट ओपन होता है, तो टोटल आपको अब 3 इंजन ऑप्शन मिल रहे हैं, तो ये पेट्रोल में 1.2 लीटर है मैनुअल वाला, बाकी 1 लीटर में भी आपको टर्बो इंजन मिलेगा पेट्रोल में, और एक मिलेगा 1.5 लीटर डीजल में, तो ये 1.2 लीटर है, पहले वाला आपको जैसा आपको मिलता था वही है सेम। बाकी छोटे मोटे इसमें चेंजेस किए हैं, लेकिन ज़्यादा कोई बड़ा चेंजेस में नहीं किया है, BS6 इंजन कंप्लाइन के साथ आता है, और इंसुलेशन के लिए यहाँ पर नहीं दिया है, तो कंपनी भाई इतना कॉन्फिडेंस है कि कंपनी को इनका जो इंसुलेशन है इतना सही है कि इनको इंसुलेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड इसका बोनेट भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। बाकी इसकी लाइट आप देख सकते हैं, और रात में कैसे लगती है जलने के बाद, इसमें हैलोजन आपको बल्ब मिलते हैं फॉग लैंप में भी और आपको हेडलाइट में भी। एंड इस बार कंपनी ने सेम इंजन से माइलेज क्लेम किया, 20.35 का पेट्रोल में मैनुअल, और CVT में आपको मिलता है 19.65 का, 20.25 मिलता है आपको टर्बो इंजन 1 लीटर वाला, और 25.2 आपको मिलता है डीजल में, तो काफी बढ़िया इस बार माइलेज मिलने वाला है, कंपनी ने काम किया माइलेज पे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके।